हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ आज कुछ नए किचन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जो आपको हर रोज़ काम आएंगे और आपके रोज़ के काम को और भी ज़्यादा आसान कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। टिप नंबर वन, तो अक्सर हम देखते हैं नमक थोड़ा सिल सा जाता है, गुठलियाँ सी पड़ जाती हैं इसमें, चाहे वो बारिश का मौसम हो या कभी कभार ऐसे भी हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम इसमें कुछ दाने डालेंगे चावल के। चावल के दाने मॉइस्चर बहुत अच्छे से सोख कर लेता है, तो जब भी आप नमक को कंटेनर में रखें, आधा चम्मच एक चम्मच आप नमक की क्वांटिटी के हिसाब से चावल डाल के रख दें। इससे आपका नमक बिल्कुल फ्री फ्लोइंग रहेगा और बिल्कुल भी जमेगा नहीं। टिप नंबर टू, तो अगर आपके फ्रिज में किसी खाने की या किसी भी तरह की स्मेल आ गई है, तो आप एक लेमन लें और इसको हाफ में कट करें। और इसके बाद हम लेंगे कुछ लौंग। लौंग को इसके बीच में ऐसे लगा देंगे साइड्स में। दोनों में मैं इसी तरह लौंग लगा दूंगी। अब इन दोनों लेमन को आप फ्रिज के कोनों में प्लेस कर सकते हैं। फ्रिज की सारी ओडर या बैड स्मेल निकल जाएगी और आपका फ्रिज फिर से फ्रेश स्मेल करने लगेगा। टिप नंबर थ्री, तो मिक्सर जार का यूज़ लगभग डेली ही होता है हमारे घर में, और डेली यूज़ करने से इनकी ब्लेड की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। इसके लिए हमें लेना चाहिए थोड़ा सा नमक। नमक मैं इसमें डाल दूंगी, और ये नमक मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए ऐसा है। और एक बार हम मिक्सर को चला देंगे नमक डालने के बाद। बस एक या दो बार इसे हमें चलाना है और आपकी मिक्सर की ब्लेड्स नई जैसी हो जाएंगी, बिल्कुल इनकी धार बिल्कुल तेज हो जाएगी। टिप नंबर फोर, तो अक्सर हमने बहुत लोगों से सुना है कि उन्हें दाल डाइजेस्ट नहीं होती है, पचती नहीं है ठीक से। इससे बचने के लिए हमें दाल को कम से कम 1 घंटे भिगो के रख देना चाहिए, वॉश करके, और फिर इसे भिगो के रख देना चाहिए कम से कम 1 घंटे के लिए। इससे आपकी दाल बहुत जल्दी पकती तो है ही, और साथ ही साथ बहुत टेस्टी और डाइजेस्ट करने में भी इजी होती है, बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। और जब भी आप दाल में तड़का लगाएं तो हींग का यूज़ ज़रूर करें। हींग का यूज़ मैंडेटरी है दाल में। इससे आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है दाल खाने से, और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है, स्पेशली बच्चों को भी। टिप नंबर फाइव, तो जब भी हम तड़का लगाते हैं तो गैस के ऐसे चारों कोनों में छींटे आ जाते हैं ऑयल के, स्प्लटर करने लगता है ऑयल। तो इससे बचने के लिए हमें इसमें डालना चाहिए थोड़ा सा हल्दी। पिंच ऑफ हल्दी डालें, और उसके बाद आपको जो भी डालना है, जैसे राई या जीरा या कुछ भी अगर आपको डालना है तो इसके बाद डालें। आपका तेल बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं, और ना ही आपका गैस गंदा होगा। टिप नंबर सिक्स, तो पकौड़ों को तो हम हमेशा ऑयल में फ्राई करते ही हैं, बट जब भी हम इसका बैटर बनाते हैं तो हमें थोड़ा सा ऑयल इसमें भी डाल देना चाहिए, बैटर में भी। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल हम इसमें डालेंगे, प्रेफरेबली मस्टर्ड ऑयल, हाफ टी स्पून भी आप डाल सकते हैं। ऑयल डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे आपके पकौड़े अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्प बनेंगे। तो ये टिप आपको हमेशा ध्यान रखनी है पकौड़े बनाते वक्त। टिप नंबर सेवन, तो ये टिप भी पकौड़ों को लेकर है। तो जब भी आप बेसन के पकौड़े बनाते हैं तो इसमें हींग का यूज़ करना बिल्कुल ना भूलें। पिंच ऑफ हींग आप इसमें ज़रूर डालें।
अगर आप किसी और चीज़ के पकौड़े बना रहे हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट बेसन के पकौड़े बनाते वक्त हींग का यूज़ ज़रूर करें। इससे आपको ब्लोटिंग या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। टिप नंबर 8, तो प्याज काटते वक्त अगर आपके भी आंखों में आंसू आते हैं तो पहले प्याज को ऐसे पील कर लें, वॉश कर लें अच्छे से, और उसके बाद इन्हें हाफ कट करके थोड़े से पानी में डिप कर दें। तो 5 मिनट तक इस पानी में डिप करने के बाद आप जब इसे कट करेंगे तो आपके आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। और एक तरीका है कि आप प्याज को ऐसे नीचे की तरफ करके, यानी कि ऐसे उल्टा रखिए, जब आप काटेंगे तो भी आपके आंखों में आंसू बिल्कुल नहीं आएंगे। सीधा काटने से बिल्कुल आपकी आंखें नम हो जाएंगी, इस तरह से आंखों में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा और आप आसानी से इसे कट कर पाएंगे। नंबर 9, तो हमारे घर में तांबे के बर्तन होते ही हैं और अक्सर ये इस कलर के हो जाते हैं, चाहे पे इन्हें यूज़ रेगुलर करते रहें तो भी। तो इसको साफ करने के लिए हम लेंगे एक लेमन और इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट। तो लेमन के खटास से, खट्टेपन से और सॉल्ट से बहुत अच्छी तरीके से ये साफ़ हो जाएगा, आप देखिएगा। और अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप कोई भी खट्टी चीज़ जैसे विनेगर या अमचूर पाउडर, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लेमन पील से ही इसको साफ़ करूँगी, आप कोई स्क्रबर का यूज़ भी कर सकते हैं। और आप देखिएगा कितनी आसानी से बिल्कुल चमक सा जाएगा ये। ये देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। अब इसे हम पानी से वॉश कर देंगे, नॉर्मल वाटर से वॉश कर देंगे। तो ये देखिए बिल्कुल नए जैसा हो गया ये। इसे आप हर कुछ दिन पे करेंगे तो ये बर्तन हमेशा ऐसे चमकता ही रहेगा। टिप नंबर 10, तो जब भी हम कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो अक्सर बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लहसुन और अनियन का जब पेस्ट वो डालते हैं तो साथ ही साथ मसाले के साथ पानी भी डाल देते हैं, बट ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसको मसाले के साथ पहले अच्छे से भुनना चाहिए और जब आप देखेंगे कि साइड से ऑयल रिलीज़ हो रहा हो उसके बाद ही आप पानी डालें। मसाले अच्छे से भुन गए हैं ये तब पता चलता है जब ये मसाले अच्छे से पैन छोड़ देते हैं या कढ़ाई छोड़ देते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ये एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। अगर ये पैन से चिपक रहे हैं यानी मसाले नहीं भुने हैं और तब तक आप इसमें पानी नहीं डालें। टिप नंबर 11, तो आलू और प्याज को कभी भी एक साथ स्टोर नहीं करना चाहिए। कई बार हम इसे एक ही टोकरी में स्टोर कर देते हैं और इग्नोर कर देते हैं, बट इससे आप देखेंगे कि आपके आलू बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि प्याज आपके आलू को जल्दी ख़राब कर देता है। इससे बचने के लिए हमेशा आलू और प्याज को अलग अलग स्टोर करना चाहिए, या तो अलग अलग शेल्फ में या अलग अलग टोकरे में। इससे लंबे समय तक आपके आलू और प्याज टिके रहेंगे। एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको देना चाहूँगी जो आई एम श्योर बहुत लोगों को पता होगा, बट जिनको नहीं पता है, तो जब भी आप आलू के पराठे बनाएं तो इसमें कसूरी मेथी का यूज़ ज़रूर ज़रूर करें। इससे आपके आलू के पराठे का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत अच्छा एनहांस हो जाता है और आपके आलू के पराठे और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो दोस्तों, ये थे मेरे आज के कुछ किचन टिप्स एंड ट्रिक्स, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कुछ ऐसी ही वीडियोज़ के लिए।
मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.